नमस्कार, शर्मा जी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जनरल फिजिक्स का जो ये कोर्स है, इसमें हम फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज देखेंगे। तो कौन से उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर आधारित, तो ये भी हम देखेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप देखते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो उस एंट्रेंस एग्जाम में एक पोर्शन रहता है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं टॉपिक वाइज, तो वो हम सभी यहां पर कवर करेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक टॉपिक है, इसका यहां पर हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए शार्प नीडल ऑन अ सरफेस, किसी भी एक शार्प नीडल के द्वारा किसी सरफेस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो ऑप्शंस है यहां पर, मोर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए ब्लंट नीडल, किसी भी एक कम धार वाली सुई से अधिक प्रेशर, लेस देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए ब्लंट नीडल, किसी भी कम धार वाली सुई से कम प्रेशर, या फिर इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ ब्लंट नीडल, या फिर उसके बराबर, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एफ अपॉन ए यानी कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो डिपेंड करता है एरिया कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो कम है तो यानी कि प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा वो, और ऑब्जेक्ट का एरिया अधिक है तो प्रेशर कम अप्लाई करेगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि शार्प नीडल जो होगी उसका एरिया कम होगा, दैट मींस मोर देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ ब्लंट नीडल, किसी भी एक कम धार वाली सुई से अधिक प्रेशर शार्प नीडल अप्लाई करेगी या एग्जर्ट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है इनमें से। तो ऑप्शन है यहां पर, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ बयंसी, द फ्रिक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जानते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फ्लूड ऑलवेज एक्ट, जो उत्प्लावक बल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो जल के द्वारा या फ्लूड तरल के द्वारा कैसा होता है। तो डायरेक्शन यहां पर देखिए, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर, साइड अवेज साइडवेज यानी कि किनारे की ओर, इन द अपर डायरेक्शन ऊपर की ओर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावक बल जो होता है वो क्या किसी भी वस्तु के तैरने में सहायता प्रदान करता है, ऊपर की ओर लगता है तभी वस्तु तैरेगी। तो बॉयंट फोर्स जो होता है उत्प्लावक बल, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, अपर डायरेक्शन होती है। तो इन द अपर डायरेक्शन, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन क्यूब फ्लोटिंग इन द वॉटर सपोर्ट ए मास एम इज इक्वल टू 0.2 केजी ऑन इट्स स्टॉप, व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द क्यूब इज, जबकि यहां पर डेंसिटी ऑफ द वॉटर 10^3 केजी पर मीटर क्यूब दे रखी है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी एक लकड़ी का एक घन है जो कि पानी में तैर रहा है, उसका द्रव्यमान 0.2 केजी दिया गया है। तो यदि उसका द्रव्यमान जो है वो 2 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो उसकी साइड कितनी होगी, उसकी भुजा कितनी होगी, तो इसको हमें बताना है। तो ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। तो इन ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ इज इक्वल होता है mg, और m की जगह हम रख देंगे v इंटू रो। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन जो आंसर यहां पर मिलेगा वो मिलेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी जो साइड होगी क्यूब की वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है वो क्या कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑप्शन है यहाँ पर अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के द्वारा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किन्हीं भी दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, तीसरा ऑप्शन है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो फोर्स होता है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो तीनों ही यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू होता है m1 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻¹¹। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें तो तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी तीनों ही ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स भी है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन नेल सिंक इन अ वाटर बिकॉज, जो लोहे की कील होती है वो पानी में डूब जाती है क्योंकि वेट ऑफ नेल इज लेस देन बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वाटर, जो कील का बल भार होता है वो कम होता है बॉयंट फोर्स से, जो उसके द्वारा जल द्वारा जो बॉयंट फोर्स उत्प्लावक बल लग रहा है ऊपर की ओर उससे कम होता है। नेक्स्ट है यहां पर वेट ऑफ नेल इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वाटर, जो बॉयंट फोर्स होता है उत्प्लावक बल होता है उसके बराबर होता है कील का भार। नेक्स्ट है यहां पर वेट ऑफ नेल इज ग्रेटर देन द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द वाटर, या फिर जो कील का भार है वो ज्यादा होता है उत्प्लावक बल से, तो कोई भी वस्तु पानी में तभी डूबती है जब उत्प्लावक बल से उसका भार ज्यादा हो, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है कि अगर कोई भी वस्तु अपने भार से अधिक पानी को हटा देती है तो वो वस्तु पानी में तैरेगी अदरवाइज वो डूब जाएगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यही कहता है कि नेल जो कील है उसका भार अधिक है उत्प्लावक बल से इसीलिए वो पानी में डूब जाती है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू फ्लोट इन टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2 द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन अबव द लिक्विड सरफेस आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो कोई भी दो लिक्विड हैं जिनमें कोई वस्तु तैरती है, पहले की डेंसिटी जो घनत्व है वो D1 है और दूसरे की डेंसिटी D2 है, तो अगर उसके सरफेस से हम दोनों उसकी जो वस्तु है उसकी लेंथ को देखते हैं तो पहली वस्तु में उसकी लेंथ जो है वो L1 सो होती है और दूसरी में L2 सो होती है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो रिलेशन दिए गए हैं उनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है D2 इज ग्रेटर देन D1 इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, यहां पर D1 की वैल्यू ज्यादा है और D2 की वैल्यू ज्यादा है D1 से और यहां पर दे रखा है कि L1 की वैल्यू ज्यादा है L2 से, तो पहली बात तो यहां पर हमें समझने की है कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसके सरफेस से देखने पर वस्तु की लंबाई ज्यादा प्रतीत होती है, तो अगर D2 ज्यादा है यहां पर तो यहां पर L2 ज्यादा होना चाहिए था जबकि यहां पर L2 कम है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा यहां पर देखिए D1 इज ग्रेटर देन D2 इफ L2 इज ग्रेटर देन L1, यहां पर D1 की वैल्यू ज्यादा है जबकि यहां पर L2 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो ये है कि D1 इज लेस देन D2 इफ L2 इज ग्रेटर देन L1, तो यहां पर जो ऑप्शन है D1 जो है वो छोटा है और यहां पर L1 भी छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक है, D1 इज लेस देन D2 इफ L2 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L1। अगला यहां पर एन ऑब्जेक्ट जस्ट फ्लोट इन वाटर इफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन टू द वाटर, ऑप्शन है यहां पर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड डिक्रीजेज,
द ऑब्जेक्ट सिंक्ड सिंक्स द ऑब्जेक्ट फर्स्ट सिंक्स एंड देन फ्लोट अप कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो इसमें कहा गया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो जस्ट वाटर में तैरता है. इफ कॉमन सॉल्ट, कोई भी एक कॉमन सॉल्ट है इसमें ऐड किया जाता है, तो इनमें से कौन सा इसमें से सही होगा. तो देखिए क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, इमर्ज्ड इन द लिक्विड डिक्रीज, तो लिक्विड जो है वो क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा. इमर्ज्ड यानी कि तात्कालिक रूप से डिक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वस्तु डूबेगी नहीं. क्योंकि जब भी हम कोई सॉल्ट इसमें मिला रहे हैं तो इसका अर्थ है उसका उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है. तो डेंसिटी बढ़ रही है तो वस्तु तो नहीं डूबेगी, बट उसका जो लिक्विड का जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पर केपलर्स लॉ, लॉज गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानिट आर, जो मोशन ऑफ प्लानिट है उसके संबंध में केपलर्स लॉ क्या कहता है. तो ऑप्शन से यहाँ पर द ऑर्बिट ऑफ द प्लानिट इज इक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी. नेक्स्ट है यहाँ पर द लाइन ज्वाइनिंग द प्लानिट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवेल ऑफ द टाइम. थर्ड है यहाँ पर द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लानिट आर फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड. ऑल ऑफ दीज. तो केपलर्स लॉ यही कहता है, तीन लॉ है इसके. पहला लॉ यही कहता है कि कोई भी प्लानिट है वो सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर एक इक्लिप्स पाथ पर चक्कर लगाता है, मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है. सेकंड यहां पर कह रखा है कि जो किसी भी एक प्लानिट द्वारा तय की गई दूरी होती है एक आवर्तकाल में, एक समय अंतराल में, उसके द्वारा तय किया गया जो एरिया होता है वो बराबर होता है. तो सेकंड भी यहां पर बिल्कुल ठीक है. थर्ड कहता है कि जो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस है, उसका मीन डिस्टेंस का जो क्यूब है यानी कि घन है, आर का घन, तो वो टाइम पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. दैट मींस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो ऑप्शन नंबर थ्री भी यहाँ पर सही है. तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है. दैट मींस ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, डी. नेक्स्ट है द सब्सटेंस फ्लोट्स इन वाटर. कोई भी एक सब्सटेंस है वो वाटर में फ्लो कर रहा है, फ्लूट कर तैर रहा है, बट सिंक इन कोकोनट ऑयल, लेकिन कोकोनट ऑयल में वो क्या हो जाता है, डूब जाता है. द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, अवयव की जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो क्या होगा. तो ऑप्शन से यहां पर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ ऑयल, बोथ ए एंड बी कैन नॉट डिसाइडेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. तो यहां पर बात समझने की है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्सटेंस है, वो पानी किसी भी लिक्विड में तभी तैरता है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से या फ्लूड की डेंसिटी से कम हो. अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी फ्लूड से तो वो डूब जाएगी. तो यहां पर देखिए पहला जो ऑप्शन, क्योंकि इसमें कह रखा है कि पानी में तो वो तैरती है लेकिन कोकोनट ऑयल में वो डूब जाती है, इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी पानी से तो कम होनी चाहिए लेकिन कोकोनट ऑयल से ज्यादा होनी चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं. इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 3.8 न्यूटन टू द स्प्रिंज सिरिंज पिस्टन ऑफ रेडियस 0.9 सेंटीमीटर. तो कोई एक नर्स है जो कि एक सिरिंज पर, जो कि जिसकी लंबाई रेडियस दे रखी है 0.9 सेंटीमीटर, 3.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है. तो फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर में कितना इंक्रीज है वो हमें ज्ञात करना है ऑफ द फ्लूड इन सिरिंज. तो सिरिंज में जो फ्लूड भरा हुआ है उस पर कितना प्रेशर इंक्रीज होगा. तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि P इज इक्वल होता है एफ अपॉन ए, और ए इज इक्वल टू, क्योंकि सिरिंज होगी वो क्या होगी, उसका जो भाग होगा वो वृत्ताकार होगा, सर्कुलर होगा. दैट मींस उसका जो हम एरिया लिखेंगे वो होगा पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.9 सेंटीमीटर. दैट मींस जब हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला तो वो जाएगा पी इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आंसर मिलेगा हमें 1.494 इंटू 10 टू द पावर 4 या फिर 14.94 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, या इसको हम बोल सकते हैं 14.94 किलो पास्कल। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर डीप इज फुल ऑफ द वाटर, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक इज। तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और उसकी गहराई भी 2 मीटर है, तो अगर वो पानी से फुल है तो बॉटम पर उसके कितना थ्रस्ट यानी कि दबाव लगेगा। तो दबाव हमें निकालना है, तो दबाव होता है जो उस पर भार लगेगा यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भार लगेगा mg, उसी से हम निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू mg और m इज इक्वल होता है रो v यानी कि घनत्व गुणा आयतन। तो हम यहां पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे F इज इक्वल हो जाएगा रो जी एच, सॉरी v रो और g, तो v रो g यहां पर लगा देंगे, तो v की वैल्यू निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रॉड इंटू डीप से, तो 6 × 2 × 2 यानी कि हो जाएगा 24 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो यहां पर आ गया 24 मीटर क्यूब, और रो की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ और डेंसिटी ऑफ वाटर वो होती है 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा हमें मल्टीप्लाई करने पर 24 × 10^3 किलोग्राम यानी कि मास का मान निकल जाएगा, द्रव्यमान। उसके बाद जब हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स मिल जाएगा हमें m इंटू जी, तो जब हम g यानी कि 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 23.52 × 10^4 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द केपलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग प्लैनेट इज गिवन बाय। तो केपलर के अकॉर्डिंग जो बात करें तो किसी भी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल में प्लैनेट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो केपलर के अनुसार जो फोर्स होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल होता है mv² / r, किसी भी सर्कुलर पाथ पर मोशन करने के लिए mv² / r, और एफ इज इक्वल होता है mg, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स जो फोर्स होना चाहिए ऑर्बिटल का वो लेस देन होना चाहिए v² / r से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, एफ ओ इज लेस देन v² / r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ एरिया 2 cm² एंड 3 cm² आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑन देम इज। तो इसमें कहा गया है कि एक ही गहराई में दो मेम्ब्रेन्स रखे हुए हैं जिनके एरिया या क्षेत्रफल 2 cm² और 3 cm² हैं, तो उन पर लगने वाले जो प्रेशर है उसका रेशियो कितना होगा। तो गहराई बराबर है तो उस पर जो प्रेशर है, क्योंकि वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जिस जो वस्तु दबाव डाल रही है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दाब, तो यहां पर वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब जो दाब है प्रेशर है वो इक्वल होगा दोनों ही वस्तुओं पर। जब वो इक्वल होगा इसका मतलब है जो इनका रेशियो होगा वो होगा 1:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। थैंक यू, कीप स्माइलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है शर्मा जी एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।